उत्तराखंड के सीएम के लिए दिल्ली में भागदौड़ जारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं, अमित शाह के घर पर उत्तराखंड के नेताओं की बैठक हुई है, मुलाकात हुई है और अब भी असमंजस की स्थिति कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी के नाम इसमें आगे चल रहे हैं। सतपाल महाराज त्रिवेंद्र रावत भी बैठक में शामिल हुए और जेपी नड्डा बी एल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। रमेश पोखरियाल निशंक और धामी के बीच बैठक खत्म हो गई है। अपडेट आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी खबर, रमेश पोखरियाल निशंक और धामी के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। तो उत्तराखंड से तमाम दिग्गज जो है वो दिल्ली दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी की जीत के बाद से ही अब सीएम के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति है। पुष्कर सिंह धामी का नाम इसमें आगे चल रहा है लेकिन अभी भी यहाँ पर कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा ये तय नहीं हो सका है। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि आज या कल तक नाम का ऐलान संभव है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। उत्तराखंड के तमाम दिग्गज जो हैं वो दिल्ली दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं, बैठक हुई है रमेश पोखरियाल और धामी के बीच, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आ सकता है, क्या सीएम का नाम तय हो जाएगा अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत हासिल कर ली हो लेकिन बावजूद इसके अभी भी माथापच्ची जारी है और कई केंद्रीय नेताओं के साथ साथ जो उत्तराखंड के नेता हैं वो इस बैठक में जो है भाग ले रहे हैं। अमित शाह के आवास पर ये बैठक चल रही है और साथ ही साथ इस बैठक में ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इसको बिल्कुल तय किया जा सकता है। कई नाम इसमें चल रहे हैं, न केवल कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बल्कि जो केंद्रीय चेहरे हैं भाजपा के उनके नाम भी तेजी से चल रहे हैं और कई नाम जो है वो चर्चा में बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि इस बैठक के बाद लगभग ये नाम तय हो जाएगा क्योंकि विधायकों की शपथ समारोह कल 11 बजे तय कर लिया गया है देहरादून में। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज इस बैठक के बाद ये घोषणा की जा सकती है कि उत्तराखंड की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। पुष्कर सिंह धामी को मिली हार की वजह से भाजपा को समस्या हुई थी, आज लगता है कि उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अंकुश। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी मंथन जारी है इस पर और 10 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम का चेहरा घोषित किया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद गई थी। पुष्कर धामी से पहले सत्ता के बागडोर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने संभाला था। अब उत्तराखंड के सीएम के नाम को लेकर ये अहम दावे किए जा रहे हैं कि धामी का नाम आगे है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में सीएम के नाम के लिए मंथन जारी है। वहीं सूत्रों का दावा है कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे है। अंकुश दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम के नाम पर बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किन किन के नाम इसमें आगे चल रहे हैं। सतपाल महाराज केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जो भी दिल्ली में नजर आए। गणेश जोशी मसूरी से रिकॉर्ड बनाकर फिर से चुनाव जीते, देहरादून जिले का ब्राह्मण चेहरा है ये। वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने जीत हासिल की। 2002 से लगातार मदन कौशिक जो है वो हरिद्वार से विधायक है, बीजेपी उत्तराखंड की बागडोर अभी संभाल रहे अध्यक्ष के तौर पर। धन सिंह रावत का नाम भी इसमें आगे चल रहा है, संघ की पृष्ठभूमि से वो आते हैं। सतपाल महाराज केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो ये जो तमाम चेहरे हैं जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि धामी का नाम इसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से उत्तराखंड में अभी भी सीएम के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी को जीत यहां पर मिली है और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई चेहरे हैं जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले अब देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी भी जिस तरह से सीएम को लेकर जो स्थिति रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। कोई भी सीएम यहां पर 5 साल तक नहीं रह सके हैं। अब इसी मिथ को तोड़ने के लिए शायद ये 2024 को भी प्रोजेक्ट कर ये बिसात बिछाई जा रही है कि ऐसा चेहरा उत्तराखंड में होना चाहिए सीएम के लिए जो 2024 में आगे जीत दिला सके। इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभी तरह के
लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीजों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है, वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा।